सो गाइस हम आज वर्चुअल मशीन में के जरिए आपको रेडिट लाइनक्स एंटरप्राइज वर्जन 8.4 डॉलर्स का आएंगे। तो हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं, हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं लाइनक्स एंटरप्राइज 8.4 और इसको नेक्स्ट करेंगे। ये हमसे पूछ रहे हैं मेमोरी, तो मेमोरी हम दे रहे हैं इसको यहाँ पे 8 GB। इसके बाद क्रिएट ए वर्चुअल ड्राइव, तो वर्चुअल ड्राइव का स्पेस हम ले लेंगे इसके लिए, डायनेमिक ले रहे हैं तकरीबन 8 GB इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसे लगभग ले लेते हैं गाइस 15 GB तो ले ही लेते हैं इसके लिए, तो 50 GB का हार्ड ड्राइव ली हमने इसके लिए। वैसे आप एक्चुअल मशीन पर तो ज़्यादा लगाते हैं, पर यहाँ 50 GB ले रहे हैं इसके लिए, तो 8 GB रैम और 50 GB के साथ हम मिनिमम लेके चल रहे हैं। ऑप्टिकल ड्राइव में हम चूज़ कर रहे हैं रेडिट का ISO, जो हमने रेडिट की वेबसाइट पे ऑफिशियली डाउनलोड किया, जिसका साइज है 9.43 GB, 10 GB के आसपास का ISO है। तो चलिए गाइस इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट किया हमने वर्चुअल मशीन को, तो लिनक्स एंटरप्राइज 8.4 इसको बड़ी स्क्रीन कर लेते हैं। ये कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, थोड़ा पहले हम स्क्रीन को बड़ा कर लें। तो ये गाइस स्क्रीन आपके सामने है और इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इंस्टॉलिंग रेडिट एंटरप्राइज लिनक्स 8.4 एंड टेस्टिंग द दिस मीडिया एंड इंस्टॉलिंग। ये होता है केवल आपके ISO इमेज को टेस्ट करने के लिए, ट्रबल शूटिंग होता है ग्राफिकल वगैरह को टेस्ट करने के लिए। तो हम इसमें पहला ऑप्शन लेंगे इंस्टॉलिंग द रेडिट एंटरप्राइज और यहाँ पर एंटर करना है गाइस। एंटर करने के बाद ये आपके पूरे PC के हार्डवेयर को चेक करेगा और उसको चेक करने के बाद उस पे उसके हार्डवेयर को डिटेक्शन और उसके जो ड्राइवर उनको प्लग करेगा और फिर आपको इंस्टॉलेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप दे देगा। तो गाइज अगर आप हमारे HS Tech चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इस वीडियो के लिए आप इसके लिए लाइक और शेयर कर सकते हैं और तो गाइज ये वाली स्क्रीन इसके बाद आएगी आपके पास। तो इस स्क्रीन पे आपको क्या करना है गाइज, इंग्लिश लैंग्वेज लेनी है। इसमें हिंदी भी है मगर वो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए इंग्लिश और यहाँ पे इंग्लिश ही लिया। और ये गाइज अभी रेजोल्यूशन में आ गया स्क्रीन, तो यहाँ पे हम इसको इंग्लिश इंडिया है इस पर सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद गाइस सबसे पहले आपने देखना है कीबोर्ड इंडियन रुपीस के अंदर, लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया, टाइम डेट टाइम आपको जरूर सेट करना है गाइस। डेट टाइम आपको वर्ल्ड का मैप आ जाएगा, यहाँ पे आपको इंडिया के मैप पे क्लिक करना है, तो एशिया कोलकाता सेलेक्ट हो जाएगा देख सकते हैं, और इसके बाद आप इसे डन कर दीजिए। इसके बाद गाइस रूट का पासवर्ड डिजाइन करना है, यहाँ पे रूट का कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगाना है गाइस, यानी कि ABCD के कुछ डिजिट और कुछ स्पेशल करेक्टर और फिर नंबर करेक्टर, इस तरह का पासवर्ड गाइस यहाँ डिटेक्टेबल होगा। तो ये लगा रहे हैं, तो ये लगा दिया हमने, इसके बाद डन। और इसके बाद गाइस इंस्टॉलेशन सोर्स में लोकल मीडिया है और सॉफ्टवेयर GUI बेस्ड डाल रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन। तो गाइस आपके पास यहाँ पे हार्ड डिस्क के पार्टीशन करने के 2 तरीके, ऑटोमेटिक एंड कस्टमाइज। तो हमेशा हमें कस्टमाइज पार्टीशन करते हैं, प्रोफेशनल और टेक्निकल लोग कस्टमाइज पार्टीशन करते हैं, जिन लोगों को नॉलेज नहीं वो ऑटोमेटिक करते हैं। ऑटोमेटिक में OS अपने हिसाब से पार्टीशन बनाता है और उसमें डाटा रिकवरी या कल को कुछ OS में ट्रबल शूट करना हो तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो बहुत ही सिंपल है, ऑटोमेटिक डाले कर हम क्या ऑप्शन लेंगे, कस्टमाइज हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करेंगे और हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करने के बाद गाइस हम कस्टमाइज पे गए और फुल बूट लोडर, और ये आपकी हार्ड ड्राइव है इसको सिलेक्ट करेंगे, सेट द बूट लोडर एट uh,
हाँ सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करके डन करेंगे तो ये पार्टीशन के लिए कहेगा हमें, तो 50 GB अवेलेबल स्पेस आ गया है। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड पार्टीशन करेंगे, एलएम भी नहीं करेंगे, एलएम भी ऑटोमेटिक में बनते हैं गाइस। स्टैंडर्ड पार्टीशन पे जाके हम स्पेस लेंगे और प्लस के निशान को दबाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बूट लोडर का पार्टीशन बनाएंगे, बूट लोडर का 50 GB का हार्ड ड्राइव है, तो हम आइडिया से समथिंग समथिंग 10 GB मोर देन सफिशेंट फॉर द बूट लोडर। और ये बूट लोडर का 10 GB का पार्टीशन बना दिया। एक हम बनाएंगे गाइस हम इसमें रैम के लिए स्वैप का पार्टीशन, जो कि रैम की कैपेसिटी से डबल होता है। रैम ली थी हमने 8 GB, तो ये पार्टीशन हो जाएगा 16 GB का। तो ये 16 GB का स्वैप बना दिया हमने, जो कि हम रैम से डबल लेके चल रहे हैं। और लास्ट में बचा हुआ 24 GB हमारे पास है, इसको हम रूट का पासवर्ड दे देंगे। तो यहाँ दे दीजिए गाइस 24 GB। तो 24 GB का हमने, ये 15 GB का हमने पार्टीशन बना दिया। तो रूट पार्टीशन को सिलेक्ट करके हम डन करेंगे और इंस्टॉलेशन जल्दी शुरू हो जाएगी। तो ये लास्ट चार्ट बता रहा है कि आपका 50 GB का डिस्ट्रॉयबल फॉर्मेट था, जिसको इस तरह से क्रिएट कर दिया गया। तो ये आपके सारे एडेप्टर सेट हो गए हैं। अभी रूट का पासवर्ड हमने डिज़ाइन कर दिया था, अभी नीचे जाके यूज़र क्रिएशन भी हम सेट कर देते हैं। तो यूज़र क्रिएशन में हम कोई भी यूज़र नेम दे देते हैं और उसे पावर दे देते हैं रूट का, चाहे तो मत दीजिए रूट का पासवर्ड अलग से भी आपके पास, चाहे तो हम इसके ज़रिए कर लेंगे, रूट को यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम इसका पासवर्ड डालने जा रहे हैं। तो ये पासवर्ड गाइस जो हमने रूट का पासवर्ड दिया था उससे डिफरेंट यूज़ कीजिए, ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। और इसको डन कर देते हैं। तो अभी हमने रूट पासवर्ड डिसाइड कर दिया, यूज़र क्रिएट कर दिया, इस पार्टीशन कर दिया। अभी हम बिगिनिंग टू इंस्टॉलेशन, और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो अभी जो ये वर्जन आया है, पहले लिनक्स को डालना बड़ा ही मतलब ट्रबल शूट करना, इंस्टॉलेशन करना बड़ा ही मुश्किल टास्क हुआ करता था। आजकल ऐसा नहीं है गाइस, आजकल जितने लेटेस्ट ओएस आ रहे हैं वो ज़्यादा टफ नहीं है, उनकी इंस्टॉलेशन, उनकी ट्रबल शूटिंग, हर चीज़ चैलेंजेबल इतनी नहीं आई के में, तो बड़ी ईजी है, उसे इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। तो जो अपने इसको कमांडिंग दी है, पार्टीशन दी है, वो प्रिपेयरिंग किए जा रहे हैं। प्रिपेयरिंग करने के बाद ये इंस्टॉलेशन शुरू करेगा। वेट करना है गाइस, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वेट। ये प्रिपेयरिंग और ट्रांजेक्शन एंड इंस्टॉलेशन सोर्सिंग, ये डिपेंड करता है गाइस आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन पे, कि प्रोसेसर कितना है, रैम कितनी है, और वगैरह वगैरह। तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है।
ये कंप्लीट हो गया, रिबूट का सिस्टम पे क्लिक कर दिया और इसके बाद आपकी लाइटेक्स चलने के लिए तैयार है। ये यहाँ पे आएगा जो टॉप वाला बर्जर है, ये होगा यह क्लिक कर दिया। गाइस रेड हैट सबसे टॉप पर वर्जन एंटरप्राइज में 8 वर्जन रेडी है, चलने के लिए तैयार है। यहाँ पे लाइसेंस इंफॉर्मेशन में लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो इस पर क्लिक करें या आई एक्सेप्ट करें और इसको नीचे करें और डन कर दें तो आपका लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन लेना ना देना आपका, अगर आप गैजेट से सर्विस चाहते हैं सपोर्ट की तो लीजिए, मतलब ये ओपन सोर्स आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। या फिर सेट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये रेडिट लाइनेक्स चलने के लिए बिल्कुल तैयार है और यहाँ क्लिक कीजिए। और अगर अपने नॉर्मल यूजर से लॉगिन होना चाहते हो तो यूजर यहाँ दिखाई देगा, अगर आप रूट से लॉगिन होना चाहते हैं तो यहाँ आप रूट और उसका पासवर्ड टेक्स्ट करके टाइप कर सकते हैं। तो नॉर्मल यूजर से लॉगिन हो रहे हो, मैंने नॉर्मल यूजर का पासवर्ड डाल दिया। कीबोर्ड स्टेबिलिटी बिल्कुल बेटर व्यू के साथ है, सिस्टम डॉट रजिस्टर्ड आएगा क्योंकि हमने इसको रजिस्टर नहीं किया। या इंग्लिश आएगा नेक्स्ट कर दीजिए। और टाइपिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज आपको चाहिए तो इंग्लिश इंडियन नेक्स्ट कीजिए। प्राइवेसी को ऑफ कर दीजिए, आपके लिए क्वेश्चन शेयर ना करें। कनेक्ट टू द ऑनलाइन अकाउंट, आप गूगल माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक किसी अकाउंट को लॉग इन कर सकते हैं, इसको चलने के लिए डिस्क्रिप भी कर सकते हैं। और स्टार्ट विथ लाइनेक्स और आपका लाइनेक्स चलने के लिए तैयार है। और ये आपके सामने स्क्रीन बैकग्राउंड और यहाँ से आप अपना नेटवर्क वगैरह देखिए, वायर नेटवर्क इसका ऑफ है, वायर कनेक्ट कर सकते हैं, इसको वायर लगाते हैं तो वायर के जरिए ही नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपने सेटिंग्स कर दी है तो आप एंट्री पे जाके यहाँ सेटिंग्स भी कर सकते हैं। ये वाईफाई नेट कार्ड इसको डिटेक्टेबल हुआ, ये वायरलेस इस्तेमाल भी किया डॉक्टर, शायद इसके पास उसका सोर्स नहीं है उस हार्डवेयर का, ये ब्लूटूथ है बैकग्राउंड और ये सब चीज़ें जो इसके साथ है। आप इसको बंद कर सकते हैं, यहाँ इसका डिस्प्ले सेटिंग भी दिया हुआ है, इस रेजुलेशन पे आप इसे चलाना चाहते हैं या बेटर रेजुलेशन के लिए इसको हाइयर रेजुलेशन पे सेट कर दीजिए। वर्चुअल मशीन चलने के लिए तैयार है, देखिए बेहतरीन हमने इसका डिस्प्ले सेटिंग कर दिया है जो इसका होना चाहिए। इससे बेटर भी एक ऑप्शन है, ये करके देखते हैं अगर डिस्प्ले कॉल भी है डेटा वर्चुअल। शायद ये हार्डवेयर से ज़्यादा की कॉम्प्लिकेशन होती है। तो ये डिस्प्ले सेटिंग अपडेट कर दी है और एंटरप्राइज का लोगो आ रहा है। यहाँ पे साइट पे जाएंगे तो कुछ भी देखिए, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक, ये आपके ब्राउजर, ये आपकी फाइल्स, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या हेल्प, ये आपका टर्मिनल और ये आपके सारे एप्लीकेशन जो इस पर बाई डिफॉल्ट आपके हैं सभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ब्राउजर में जाए तो आप गेट चला सकते हैं केबल के जरिए, इसमें इंटरनेट फैसिलिटी आ रही है वर्चुअल मशीन पे, मेन मशीन के जरिए जहाँ से नेट आ रहा है इसको वहाँ से इसको इंटरनेट फैसिलिटी मिल रही है कि आप गेट चलाते हैं। तो गाइस ये था पूरा ट्यूटोरियल
लाइनक्स रेड हैट एंटरप्राइज 5 के साथ आपका जो हम आपको दिखाना चाहते हैं गूगल ओपन हो गया है। तो कैसा लगा वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर दीजिए और हमारे चैनल पर बने रहें। हम आपके लिए ऐसा ही और भी बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। गाइस अभी इसको अभी तक के लिए ट्राई, इसको यहाँ से करके शट आउट। और वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वर्चुअल एक्शन मशीन के जरिए भी हमने आपको एक्चुअल रेड हैट एंटरप्राइज 8.4 इंस्टॉलेशन करना सीखा।